स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल चैप्टर का सोल्यूशन कंप्लीट कर लेने वाले हैं, यानी कि समझिए कि ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का सोल्यूशन का ये आखिरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के बुक में टोटल 40 चैप्टर हैं और 40 चैप्टर में से 33 यानी कि 33 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर को मैं कंप्लीट करा चुकी थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ 7 चैप्टर है, 34 से लेकर 40 तक टोटल 7 चैप्टर बचा हुआ था, 33 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे, तो ये जो 7 चैप्टर बचा हुआ है तो इन 7ों के 7ों चैप्टर को आज के इस वीडियो में पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि इन सभी चैप्टर का रिटर्न क्वेश्चन जितना भी आप लोगों के बुक में पूछा गया है उन हर एक क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट करा देने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ना, ये ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के सोल्यूशन का यानी कि क्वेश्चन आंसर का ये आखिरी वीडियो है। पूर्ण रूप से आज के इस वीडियो में टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। 40 चैप्टर है आज के इस वीडियो में, 40 चैप्टर कंप्लीट यानी कि ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का बुक जो है ना क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई थी, चैप्टर टोटल ट्वेल्थ क्लास के उर्दू में 40 चैप्टर है ना, तो 1, 2, 3 करके यानी कि 1 बाय 1 चैप्टर मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से एकदम विस्तार से समझा कर कंप्लीट करा चुकी थी। और अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ प्लेलिस्ट का, ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। टोटल 40 चैप्टर एक एक करके एकदम विस्तार से वहाँ पर पढ़ाई हूँ। उसके बाद से हर एक चैप्टर को 40 के 40 चैप्टर को पढ़ा लेने के बाद, कंप्लीट करा लेने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना स्टार्ट की थी। और आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाने वाला है। समझिए कि 40 चैप्टर यानी कि टोटल ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का जो 40 चैप्टर है उसका सोल्यूशन आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है। तो समझिए कि ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के बुक में जो 40 चैप्टर है उसका कंटेंट यानी कि हर एक चैप्टर को विस्तार से मैं आप लोग पढ़ा चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के हर एक चैप्टर यानी कि 40 के 40 चैप्टर का सोल्यूशन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब बच क्या रहा है? अब बच सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई भी हूँ, बोली भी हूँ कि बहुत जल्द हर एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव कराऊंगी। जैसे ही आज के इस वीडियो में तो 40 चैप्टर मतलब ट्वेल्थ क्लास की उर्दू का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाने वाला है, तो अब आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने के बाद अब ऑब्जेक्टिव ही तो स्टार्ट होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं लाइव कराऊंगी और वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव होगा, उसी तरह चैप्टर 2, चैप्टर 3 मतलब चैप्टर वाइज होगा, वो भी नहीं तो लाइव। डेट और टाइमिंग आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब से कितना बजे से आप लोग का लाइव होगा और डेट क्या है, ये आप लोग को हर एक चीज़ कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग कम्युनिटी देखते रहिएगा, डेट और टाइमिंग वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव स्टार्ट होने वाला है, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मैं कराऊंगी। और इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही बोल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आप लोगों को डेट और टाइमिंग पता चल गया कि इतना तारीख को इतना बजे फर्स्ट यानी कि पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का लाइव होने वाला है, तो आप लोग लाइव होने से पहले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लें, ताकि उस चैप्टर में जो भी कहानी है, जो भी उसमें जो भी बताया गया उस चैप्टर का जो भी थीम है मतलब उस चैप्टर में जो भी बताया गया है वो आप लोगों के माइंड में रिवाइज हो जाए। और जब उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव कराऊँ ना तो आप लोग उसका सही आंसर दे पाएँ। तो आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव अटेंड करने से पहले आप लोग उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि दोबारा रिवाइज हो जाए और फिर आप लोग सही आंसर दे पाए। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं लाइव कराऊंगी और वहाँ पर सही आंसर देंगे ना, तो एक तरह से अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि वाह क्या बात है, आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, तो ये एक अलग ही जोश और जुनून होता है। तो आप लोग पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव कीजिएगा और डेट और टाइमिंग आप लोग को बता दिया जाएगा। खैर देखिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हर एक चैप्टर को मैं आप लोगों को विस्तार से पढ़ाई भी हूँ, उसके बाद से हर एक चैप्टर यानी कि टोटल 40 चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराई हूँ जो कि आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है, और फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराऊंगी और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। सोचिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये हर एक इतना मेहनत आप सभी लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग हमारे लिए एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, दबाकर अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके ना, छोटे बड़े भाई बहन जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं चारों तरफ शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सभी लोगों को पता चल जाए कि यूट्यूब पर मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ज्ञापन एकेडमी, जहाँ पर उर्दू की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ज़बरदस्त तरीके से करवाई जाती है। सोचिए हर एक चैप्टर को मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट
पढ़ाई हूँ यूट्यूब पर एकदम विस्तार से, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, टोटल 40 चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है, फिर ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगी। अब आप लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, सोचिए। सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास। और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे रहेंगे ना, तो लाइव का भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो पहले से ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले अगर नहीं किए हैं तो, ताकि जब भी लाइव स्टार्ट हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 34वें चैप्टर का नाम है अगर बाहर अब्स के घर से मोहन या कदम निकले, और 35वें चैप्टर का नाम है कूचे यार एन काशी है। ये दोनों चैप्टर जो है ना, इसके राइटर जो हैं वो है वली दखनी, ठीक है। उसके बाद से काश यूं तीरा ना ये आयना दिल होता, हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है। ये दोनों चैप्टर भी, मतलब इन दोनों चैप्टर के राइटर एक ही हैं, राशिक अजीम अबादी। देखिए दोनों ये 34, 35, 36, 37 ये चारों चैप्टर गज़ल हैं, ठीक है। इन दोनों गज़ल के राइटर हैं वली दखनी, और ये जो दोनों गज़ल है इनके राइटर हैं राशिक अजीम अबादी, ठीक है। उसके बाद से 38वां जो चैप्टर है 38, इसका नाम है तजही के रोज़गार, और इसके राइटर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तजही के रोज़गार एक कसीदा है, ठीक है। गज़ल, कसीदा, कतर तारी, खुतबा किसे कहते हैं, ये हर एक चीज़ मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई हूँ, वहाँ पर विस्तार से बताई हूँ। तो चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को डाउट भी नहीं होगा, जितना भी क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में कराने वाली उसमें भी डाउट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ। और हालांकि ये जो अभी सीरीज़ चल रहा है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को करा रही हूँ ना, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। अगर आप लोग चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे हर एक चैप्टर का आप लोग को मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 39 चैप्टर का नाम है साथी हाथ बढ़ाना, और 40 यानी कि 40वें चैप्टर का नाम है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तो ये दोनों चैप्टर गीत है, और इन दोनों चैप्टर के राइटर है साहिर लुधियानवी। तो 34 से लेकर 40 सात चैप्टर तो हो ही जा रहा है। चलिए एक एक करके हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और ये कितने नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर नंबर 34। उसके बाद से चैप्टर नंबर 35, 36 एक एक करके कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पहले शेर में मोहन किसे कहा गया है। वली दखनी जो है उनकी गज़ल है, जो है चैप्टर नंबर 34 बना दिया गया है, और चैप्टर नंबर 35 ये दूसरी गज़ल, मतलब दोनों गज़ल वली दखनी की लिखी हुई है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 34 और 35 दोनों चैप्टर को मिलाकर ही ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, गज़ल से ही, मतलब चैप्टर नंबर 34 और 35 दोनों चैप्टर को मिलाकर ये क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पहले शेर में मोहन किसे कहा गया है, यानी कि वली दखनी जो है ना शायर, वो अपने गज़ल में पहले शेर में, गज़ल की जो पहली शेर है, पहले शेर में मोहन किसे बोले हैं। तो आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को हर एक लाइन का तशरीह करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हूँ और समझाई हूँ। मोहन जो है ना शायर अब किसको कह रहे हैं, अपने महबूब को कह रहे हैं कि बाहर अब्स के घर से मोहन या कदम निकले, यानी कि अगर मेरा जो महबूब है घर से बाहर एक कदम निकाल दे, तो मतलब अपने घर से एक कदम क्या वो निकाले मेरी महबूब, कि सब लोग देखकर दंग रह जाए, मेरी महबूब इतनी खूबसूरत है कि। तो इसीलिए यहाँ पर आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, और आप लोग जानते भी होंगे कि पहले शेर में शायर जो है ना मोहन अपने महबूब को कह रहे हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ज़रा फास्ट करेंगे हम लोग। दूसरा सवाल कि हैदराबादी उलमा वली का पूरा नाम और जय पैदाइश के मुतालिक क्या बताते हैं, यानी कि हैदराबादी जो उलमा है ना वो वली का पूरा नाम क्या बताते हैं, और उनकी पैदाइश कहाँ हुई, किस जगह पर हुई, उसके बारे में क्या बताते हैं, ये आप लोग को जवाब में लिखना है। तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद और मुकाम पैदाइश औरंगाबाद है, यानी कि हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम क्या है, सैयद वली मोहम्मद, और उनकी पैदाइश कहाँ हुई है, तो औरंगाबाद में हुई है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये कि हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन में सैयद वली मोहम्मद आप लोग को दिखाई देगा, जिस भी ऑप्शन में उसको धीरे से टिक कर देना है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जाए पैदाइश क्या है, ऑप्शन में अगर औरंगाबाद दिखाई दे तो टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल,
तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, ये भी मैं आप लोगों को एकदम इंपॉर्टेंट समझते हुए चैप्टर पढ़ा रही थी तो बताई थी कि तारीख़ अदब में वली शुमाल और जनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। शुमाल और जनूब यानी कि उत्तर दक्षिण के बीच में एक ये पुल की तरह दिखाई देते हैं, ये इंपॉर्टेंट समझते हुए बताई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, तो शुमाल और जनूब के दरमियान, शुमाल और जनूब के बीच, ठीक है। चौथा सवाल कि दूसरी गज़ल के पहले शेर के मुताबिक शायर का दिल, जोगिए दिल जो है वो कहाँ का बासी है। तो दूसरी गज़ल के पहले शेर के मुताबिक शायर का जो दिल है यानी कि उनका दिल जो जोगी हो चुका है वो काशी का बासी है। कहाँ का बासी है, तो काशी का, यानी कि शायर का जो दिल लगता है ना वो अपने महबूब की गली यानी कि काशी में ही लगता है, काशी का ही बासी है, ठीक है। पांचवा सवाल कि वली का असल नाम और मुकाम पैदाइश गुजराती मुहक्किकीन की नज़र में क्या है, यानी कि जितने भी गुजराती रिसर्चर हैं उनके हिसाब से वली का असल नाम क्या है और इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जवाब में लिखा है कि गुजराती मुहक्किकीन की नज़र में वली का असल नाम क्या है, शाह वलीउल्लाह, और मुकाम पैदाइश किस जगह पर हुई है, तो अहमदाबाद, याद रखना है। छठा सवाल कि पी के बैराग के मानी क्या है, तो पी के बैराग का मानी होता है महबूब का संन्यास लेना, ठीक है। महबूब का संन्यास ले लेना क्या कहलाता है, पी के बैराग, मतलब कि ब्रेकअप आप यूँ कह सकते हैं। सातवां सवाल क्या है, हूरों में किसकी किसके मुख की शोहरत है, तो हूरों में शायर के महबूब की मुख की शोहरत है, ठीक है। शायर जो है ना अपने महबूब की चेहरे की खूबसूरती की तुलना हूरों से किए हैं, तो इसीलिए जवाब में क्या लिखना है, हूरों में शायर के महबूब के मुख की शोहरत है, ठीक है। आठवां सवाल है कि निसाब शामिल निसाब गज़लों से दो दखनी अल्फाज दर्ज कीजिए, दो दखनी लफ्ज़ को आप लोगों को बता देना है जो कि गज़ल में यूज़ किए हैं वली दखनी, तो पहला है नज़ुक और दूसरा है सनासी, ठीक है। नौवां सवाल कि वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शराह को किस तरह राघुब किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये तीन चार बार पूछा गया है आप लोगों के एग्ज़ाम में, लगभग तीन चार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। वली ने शुमाल हिंद के शराह को रिश्तगोई की तरफ राघुब किया है, ये एक बार सब्जेक्टिव में पूछा था और उसके बाद से एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दसवां सवाल है कि रश्क ची से आप क्या समझते हैं, तो रश्क ची से मुराद चीन के महबूब की खूबसूरती की मिसाल है। ग्यारहवां सवाल कि वली के किस शागिर्द ने दीवाल वली का मखतूता किस सन में लिखा, तो वली के एक शागिर्द थे सनाउल्ला, उन्होंने दीवान वली का एक मखतूता 1725 ईस्वी में लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है और मतलब याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन इससे पूछा तो नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ दे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान में होगा, ये चैप्टर नंबर 34 और 35 दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मुख्तसर सवालात से, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग को 5 लाइन में लिखना होता है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि वली की ज़ुबान पूरे मुल्क के लिए कैसे काबिले कबूल बन गई। जवाब में लिखा हुआ है कि वली की ज़ुबान पूरे मुल्क में इसलिए काबिल कबूल हो गई कि उन्होंने शुमाली हिंद के शुरा को रिश्तागोई की तरफ राघुब किया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली का दोबारा सफ़र किया और कई महीने दिल्ली में क़याम करके मुख्तलिफ शुरा को जमा किया और ज़ुबान के मामले में उनकी मानवी उस्ताद की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे। इसी ज़माने में वली की शायरी में दखनी रिवायात अपने उरूज पर पहुँच गई। देखिए वली और दिल्ली दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर दाल है और यहाँ पर वाव है, ठीक है। उसी ज़माने में वली की शायरी में दखनी रिवायत अपने उरूज पर पहुँच गई और फिर रफ्ता रफ्ता वली ने अपनी शायरी को दखनी असरात से बहुत हद तक महफूज कर लिया। इस तरह उनकी ज़ुबान पूरे मुल्क के लिए काबिले कबूल बन गई, ठीक है। वली की ज़ुबान यानी कि इनकी जो भाषा थी और शायरी लिखने का जो अंदाज़ था ये पूरे मुल्क के लिए काबिले कबूल इसलिए बन गया क्योंकि इनकी शायरी तो फेमस थी ही और उसके साथ साथ जब ये दिल्ली गए थे, दिल्ली में दो बार सफ़र किए थे, ठीक है। तो जब ये दिल्ली गए थे और कई महीनों तक दिल्ली में रहे थे और वहाँ पर जितने भी दिल्ली के शुरा थे, जितने भी शायर थे, उनको जमा किए, इकट्ठा किए थे और उस्ताद की हैसियत से ट्रेनिंग देते थे। इस तरह जो है ना दक्षिण उत्तर दोनों तरफ जो है ना वली दखनी की शायरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुई और इनकी शायरी जो है ना उरूज पर पहुँची थी, बहुत बुलंदी तक गई थी। इसी वजह से इनकी ज़ुबान जो है ना वो पूरे मुल्क के लिए काबिल कबूल बन गई। ये हो गया आंसर, आप लोग आंसर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वली की शायरी की दो खूबियों को वाजी कीजिए। यहाँ पर आप लोग को वली दखनी की शायरी की दो खूबी बता देना है। जवाब में लिखा हुआ है कि वली की शायरी की पहली खूबी यह है कि उनकी शायरी में नादिर तशबीहात और इशारात का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही बात है, वली दखनी की शायरी में अगर इनकी शायरी को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तशबीहात और इशारात वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज़ किए हैं अपने शायरी में और ज़ुबान की सतह पर वली की यहाँ हैरत अंगेज़ सादगी और सफाई जो है ना सफाई देखी जाती है इन ज़ुबान की सतह पर
वली के यहाँ हैरत अंगेज़ सादगी और सफाई देखी जाती है। वली के बाद अशार बिल्कुल मौजूदा ज़माने के मालूम होते हैं। वली की शायरी की दूसरी खूबी यह है कि उनमें हिंदुस्तानियत का बहुत ज़्यादा असर है और उनके यहाँ जो अल्फाज मिलते हैं वो ज़्यादातर हिंद आरई होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि वली ने शामिल निसाब दूसरी गज़ल के पहले शेर में पूछा है यार और अपने दिल के बारे में क्या कहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। जवाब में लिखा है कि वली ने शामिल निसाब दूसरी गज़ल के पहले शेर में पूछा है यार के बारे में कहा है कि उनके महबूब का पूछा है ठीक काशी के शहर की तरह है और अपने दिल के बारे में कहा है कि जोगी का दिल यानी शायर का दिल का दिल जो है ना वो काशी में ही बसता है। यानी जिस तरह शहर काशी हिंदुओं की मजहबी अकीदत का मरकज़ है उसी तरह शायर के दिल के लिए काशी उसके महबूब की यादों का मरकज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वली की गज़लों में मिसालों के इस्तेमाल की क्या शक्ल है। जवाब में लिखा हुआ है कि वली की गज़लों में मिसालों के इस्तेमाल का मामला देगा शुरा के बनस्बत मुनफरद है और उनकी गज़लों की एक ख़ास बात यह है कि वो अपनी गज़लों में दुराजगार मिसालों के इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। वो आम तौर से अपनी गज़लों के लिए मिसालें फारसी शायरी की रिवायतों से अख़ज़ करते हैं और यही वजह है कि वह वली अपने तसव्वुर इश्क के ज़रिए तसव्वुफ़ की रिवायत को मौज़ूआत के वसीयत के साथ उर्दू शायरी के दामन में ख़ास मुकाम अता किया है। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है कि वली की हालात ज़िंदगी से अपनी वाकफियत जाहिर कीजिए। अब यहाँ पर वली के हालात और ज़िंदगी के बारे में अपनी वाकफियत का इजहार करना है, चलिए देख लेते हैं जवाब में क्या लिखा गया है। वली दखनी का शुमार उर्दू के कदीम शुरा में होता है जिसके नाम वतन और सन पैदाइश व सन वफात के बारे में तस्करा निगारों के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ है और उर्दू तहकीक के तरक्की या फतह मेमार के बावजूद इस सिलसिले में आज तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है, ना ही अब तक वली दखनी की तफसीली हालात मालूम हो सके हैं। वली की ज़िंदगी की तफसीलात के बारे में मुख्तलिफ तस्करा निगारों की बयानात आपस में मतजाद है। गुजराती मौकिन और तस्करा निगारों के मुताबिक वली का पूरा नाम शाह वलीउल्लाह और अहमदाबाद जाए पैदाइश हैं। वली ने मदरसे हिदायत बख्श में शेख नूरुद्दीन से तालीम पाई, 1707 में वफात पाई, लेकिन हैदराबादी उलमा के ख्याल में वली का असल नाम सैयद वली मोहम्मद और मुकाम पैदाइश औरंगाबाद है। मदरसा हिदायत बख्श की तालीम उस्ताद के नाम और तारीख वफात के बारे में हैदराबादी उलमा भी मुतफिक हैं, लेकिन मुख्तलिफ तस्करा निगारों के राय पर गौर करने के बाद जो हकायक सामने आते हैं वह यह है कि वली का पूरा नाम वली मोहम्मद था। उसकी जाए पैदाइश व वफात औरंगाबाद में है। वली की तकनी ने मदरसा हिदायत बख्श में तालीम पाई थी मगर उसे गुजरात से भी दिलचस्पी थी जिसका इजहार वली के कई इशार से भी होता है। गुजरात के शहर सूरत के बारे में वली ने एक मसनवी भी लिखी है और अपनी ज़ुबान दखनी में बताते हैं। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वली दखनी की ज़ुबान क्या थी, दखनी थी। खुद वली दखनी अपनी ज़ुबान दखनी बताते हैं, ये याद रखना है। और यहाँ पर एक शेर दे दिया गया है, फिर आगे लिखा गया है कि वली दखनी जो है ना वो एक सयाह सिफत आदमी थे। उन्होंने अपने दोस्त सैयद अबुल मुआलिक के साथ दिल्ली का सफ़र किया था और बाद तस्करों के मुताबिक उसकी मुलाकात शाह सऊदुल्लाह गुलशन से भी हुई थी और तस्करा गुलशन गुफ्तार के मुताबिक वली ने हज बैतुल्लाह भी किया था और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से शर्फियाब भी हुए थे। वली के एक शागिर्द सनाउल्लाह जो थे उन्होंने दीवान वली का एक मखतूता 1725 ईस्वी में लिखा था और डॉक्टर जमील जालवी ने अपनी तहकीक से साबित किया कि वली का इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये वली की हालात ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर आप लोग चाहें तो इतना लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको छोटा कर सकते हैं, काट छाट कर शॉर्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फाइनली यहाँ पर हो जाता है चैप्टर नंबर 34 और 35 कंप्लीट। अब स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 36 और 37। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे, मतलब जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये चैप्टर नंबर 36 और चैप्टर नंबर 37 दोनों को मिलाकर है, याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात से सवाल स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है कि रासिख का पूरा नाम क्या था। तो रासिख अज़ीम आबादी का पूरा नाम था शेख गुलाम अली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। दूसरा सवाल, रासिख कब और कहाँ पैदा हुए। तो रासिख अज़ीम आबादी अज़ीमाबाद में पैदा हुए थे 1757 ईस्वी में। रासिख किसके शागिर्द थे। तो रासिख अज़ीम आबादी मीर तकी मीर के शागिर्द थे, यानी कि मीर तकी मीर के स्टूडेंट थे रासिख अज़ीम आबादी, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा सवाल कि मीर की शागिर्दी पर कौन फ़ख्र करता है। तो खुद रासिख अज़ीम आबादी मीर की शागिर्दी पर फ़ख्र करते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ जो कि मैं मीर तकी मीर का शागिर्द यानी कि स्टूडेंट बना। ठीक है, पांचवा सवाल, रासिख ने खुसूसन किस किस सिनफ में तबा आजमाई की। तो रासिख ने खुसूसन गज़लें कसायद रुबाइयात और मसनवियात में तबा आजमाई किए थे, यानी कि हर एक चीज़ लिखे थे, गज़लें कसायद रुबाइयात मसनवियात ये हर एक चीज़ लिखे थे रासिख अज़ीम आबादी। ठीक है,
छठा सवाल है कि रुखे यार के काबिल कौन होता है, तो रुखे यार के काबिल दिल का आईना होता है। फलक किसके इशारे पर ईज़ा पहुंचाने लगा, तो फलक माशूक के इशारे पर ईज़ा पहुंचाने लगा। दिल क्यों डूबा जा रहा था, तो इश्क की बीमारी में दिल जो है ना डूबा जा रहा था। ये कंप्लीट हो गया मुख्तसर तरीन सवालात, स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात। और सबसे पहला सवाल है कि राशि का जिम्मेबादी ने किन किन शायरों से इस्लाह ली थी। तो राशि का जिम्मेबादी ने यूँ तो कई शुरा से अपने कलाम में इस्लाह ली, लेकिन दो उस्ताद शुरा के नाम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है, जिनमें एक मिर्ज़ा मोहम्मद फजवी हैं और मतलब ये जिनमें एक मिर्ज़ा मोहम्मद फजवी हैं जिसने राशि का जिम्मेबादी ने इब्तदाए शायरी में इस्लाह लिया था, यानी कि स्टार्टिंग में इनसे राशि का जिम्मेबादी इस्लाह लिए थे, और फिर आगे चलकर बादशाह गज़ल, जिनको गज़ल का बादशाह कहा जाता है, मीर तकी मीर, तो मीर तकी मीर की शागिर्दी राशि का जिम्मेबादी ने इख्तियार की, और मीर की शागिर्दी पर राशिख अली अलान फ़ख्र किया करते थे। यानी कि स्टार्टिंग में राशि का जिम्मेबादी मिर्ज़ा मोहम्मद जो फदवी थे इनसे इस्लाह लिया करते थे इब्तदाई शायरी में, यानी कि स्टार्टिंग में जब शेर व शायरी किया करते थे तो, लेकिन आगे चलकर ये जो मीर तकी मीर है, मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह कहा जाता है, इनसे इस्लाह लेना शुरू कर दिए, यानी कि इनकी शागिर्दी जो है ना इख्तियार कर लिए राशि का जिम्मेबादी, और मीर तकी मीर के शागिर्द बन गए। ठीक है, दूसरा सवाल कि राशिख को किस किस सिनफ से खास शगुफ था। तो राशि का जिम्मेबादी ने एक शायर की हैसियत में मुख्तलिफ असनाफ शायरी पर तबा आजमाई की है, जैसे गज़ल, कसायद, रुबाइयात, मदह, खतात, मसनवियात, मुखमसात और वासुखत शामिल है। लेकिन जिन दो असनाफ शायरी में राशिख की खसूसी दिलचस्पी थी वह गज़ल और मसनवी है, जिसकी वजह से राशिख को मकबूलियत हासिल हुई। यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि राशिख को किस किस सिनफ़ पर खास शगुफ था, यानी कि राशि का जिम्मेबादी कौन कौन से सिनफ में तबा आजमाई किए थे, क्या क्या लिखे थे। तो राशिख अज़ीमाबादी कसीदा भी लिखे थे, गज़ल भी लिखे थे, रुबाइयात, मदह खतात, मसनवियात, मुखमसात, वासुखत, ये सब लिखे थे, लेकिन इनको मकबूलियत हासिल हुई थी गज़ल और मसनवी लिखने की वजह से। तो यही आंसर लिख दिया गया है यहाँ पर। तीसरा सवाल है कि मीर की तरबियत का राशिख पर क्या असर हुआ। मीर तकी मीर के शागिर्द थे राशिख अज़ीमाबादी, तो मीर तकी मीर एज अ ये टीचर थे ना, तो मीर तकी मीर की तरबियत का असर राशिख अज़ीमाबादी पर किस तरह हुआ, ये आप लोगों को लिखना है। जवाब में लिखा है कि राशिख अज़ीमाबादी को मीर तकी मीर जैसे खुदाए सुखन शायर से शागिर्दी का सबक हासिल हुआ। कहा जाता है कि राशिख ने मीर की सरपरस्ती में कुछ अर्सा गुजारा भी था। मीर तकी मीर की तरबियत का राशिख की शख्सियत पर इतना अच्छा असर हुआ कि उनकी शायरी में साजा जैसी पुख्तगी आ गई और उनकी शायरी पर मीर का रंग व आहंग छाया रहा। ठीक है, आंसर हो गया। चौथा सवाल, राशिख की मौत कब और कहाँ हुई। तो राशिख अज़ीमाबादी बुढ़ापे में तसव्वुफ़ की तरफ मायल हो गए थे, नामुआफ़िक हालात की शिद्दत के नतीजे में अक्सर बीमार पड़ने लगे थे। आखिरकार अज़ीमाबाद के पटना सिटी के मोहल्ला लोधी कटरा में 65 साल की उम्र में 1823 ईस्वी में राशिख अज़ीमाबादी का इंतकाल हो गया और मोहल्ला लोधी कटरा में मदफून हो गए, उनको दफन कर दिया गया। पाँचवा सवाल, राशिख का कलाम किस नाम से शाये हुआ। तो राशिख का कलाम कुलियात राशिख के नाम से ही शाये हुआ था, जो उनके वाहिद शेरी सुरमाए के तौर पर आज भी महफूज हैं। कुलियात राशिख में गज़लें, कसायद, रुबाइयात, मदह खतात और मसनवियात, मुखमसात और वासुखत वगैरह शामिल हैं। मतलब उस जो कलाम था ना, उसमें ये हर एक चीज़ है, गज़ल है, कसीदा है, रुबाइयात है, खतात भी है, मसनवियात, मुखमसात, ये हर एक चीज़ शामिल है उस कलाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तवील सवालात से स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि राशिख का जिम्मेबादी के अहवाल पर रोशनी डालिए। ठीक है, राशिख का पूरा नाम शेख गुलाम अली और तखल्लुस राशिख था। मतलब राशिख का जिम्मेबादी के अहवाल पर रोशनी डालने का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि राशिख का जिम्मेबादी की हालात और ज़िंदगी के बारे में लिखना है, हाल पर रोशनी डालना है। ठीक है, और तो वही यहाँ पर जवाब में लिखा है, राशिख का पूरा नाम क्या है, शेख गुलाम अली, तखल्लुस राशिख, जाए पैदाइश अज़ीमाबाद होने की नस्बत से राशिख अज़ीमाबादी के नाम से ये शेर व अदब की दुनिया में मशहूर हो गए। राशिख अज़ीमाबादी के नाम से इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि ये अज़ीमाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, इनकी पैदाइश पटना सिटी के मोहल्ला लोधी कटरा में 1756 ईस्वी में हुई थी, और राशिख के वालिद का नाम शेख मोहम्मद फैज़ था और उनके आबाजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। उनके दादा अज़ीमाबाद आकर मुस्तकिल सकूनत पज़ीर हो गए और यही राशिख की पैदाइश हुई थी। ठीक है, राशिख की तफसीली हालात के बारे में तस्करा निगार खामोश है। उन्होंने कहा है कि कितनी तालीम पाई उसका भी पता नहीं है। खुद राशिख के पास तहरीरें ऐसी हैं जिनको जिन तहरीरें ऐसे हैं जिन उनके कुछ ख्यालात यहाँ पर उन नहीं रहेगा जिनके कुछ ख्यालात मालूम होते हैं। वह भी सिर्फ इस कदर के वह उर्दू, फारसी और फ़न उरूज से अच्छी वाकफियत रखते थे। शायरी में उन्होंने पहले मिर्ज़ा मोहम्मद फदवी से,
इस्लाह ली, फिर शहनशाह गज़ल मीर तकी मीर के शागिर्द होने का शर्फ हासिल हुआ। मीर तकी मीर मतलब इनको गज़ल का ना शहनशाह बादशाह कहा जाता, बहुत बड़े ये शायर थे। और इन्हीं की एक शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये जो शेर है ना मीर तकी मीर का लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस शेर है। ठीक है, राशि के माशी हालात पर बहुत राशि की जो माशी हालात थी बहुत कमज़ोर थी और ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक ये सूरत हाल बाकी रही। इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता लखनऊ मुर्शिदाबाद का सफ़र तलाश मुआस में किया, लेकिन इस मजबूरी के बावजूद उन्होंने कहीं भी कोई मुलाजमत नहीं की। बुढ़ापे में तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गई थी। राशिक ने फ़न उरूज़ पर एक रिसाला भी लिखा था और कुलियात की शक्ल में उनका शेरी सुरमाया महफूज है, जिसमें गज़ल कसायद रुबाइयात कतात मसनवियात मुखमसात वास्तुखत शामिल हैं। राशिक की वफ़ात 1823 ईस्वी में अजीमाबाद पटना सिटी में हुई और उनकी कब्र पटना सिटी के मोहल्ला लोधी कटरा में है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल मिस्रों से पूछा गया है, मिस्रों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आधा अधूरा मिस्रा दिया गया है लाइन और इसको आप लोगों को पूरा करना है। काश युति रनय क्या होगा, आयनय दिल होता। यहाँ पर क्या रहेगा, आयनय जवाब में लिख दिया गया है, खाली जगह पर क्या रहेगा, आयनय दिल होता। ठीक है, दूसरा है तर्क लज्जात की लज्जत, यहाँ पर डैश खाली जगह पर रहेगा, ना हुई हमको नसीब यही कह कह के मारा अपने, खाली जगह पर क्या रहेगा, बीमार मोहब्बत को। फलक ऐसा हमारे दर पे ईज़ाना था। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा खाली जगह पर दर पे ईज़ाना था। ठीक है, और पांचवा है, सबसे पहले डैश है यानी कि खाली स्थान है और तुम्हारा ही इशारा है, यानी कि ये बेमोहरी तुम्हारी ही है, तुम्हारा ही इशारा है, खाली जगह पर ये रहेगा, ये बेमोहरी तुम्हारी है। ठीक है, तुम्हारा ही इशारा है। अब मुख्तसर सवालात, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, क्या चैप्टर नंबर 34 हम लोग कंप्लीट किए, फिर 35 दोनों गज़ल था और दोनों गज़ल के राइटर कौन थे, वली दखनी। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 36 और 37 जो कि दोनों गज़ल के राइटर थे, क्या राशिक अज़ीम आबादी। तो ये चार चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए और बचा तीन चैप्टर, यानी कि अभी हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर का है, तो चैप्टर नंबर 38 का है। ठीक है, मुख्तसर सवालात से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल है कि कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है। तो कसीदा निगारी की तारीख में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शख्सियत एक दरखशंद सितारे की तरह है। 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी में वो कमाल हासिल किया कि उनकी मुसन्नफ़ी जैसे शायर ने, अच्छा मजफ़ी यहाँ पर मुसन्नफ़ी नहीं रहेगा, मैं गलत पढ़ दी। तो 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी में वो कमाल हासिल किया कि उन्हें मजफ़ी जैसे शायर ने उर्दू कसीदा गोई का नक्काश अव्वल तस्लीम किया और सौदा की शायराना अजमत के लिए यह सबूत काफ़ी है। मतलब कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि रिटर्न में भी पूछ दे या फिर ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, अब जिस तरह से भी पूछे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल कि कसीदे की इब्तदा किस ज़ुबान में हुई थी। तो कसीदे की इब्तदा सबसे पहले अरबी ज़ुबान में हुई थी, यानी कि कसीदा लिखने की शुरुआत जो है ना अरबी भाषा से हुई थी। अरबी कसायद बहुत मयारी हुआ करते हैं, अरबी के असर से कसीदा निगारी फारसी ज़ुबान में पहुंची। फारसी में इस सिंफ का इतना ज़ोर रहा कि तकरीबन तमाम अहम शुरा ने लाजमी तौर कसायद कहे और फारसी के असर से उर्दू में कसायद का चलन बढ़ा। फारसी के जिन शुरा ने कसायद के लिए जो मयार मुकर्रर किए, उर्दू शुरा ने मयार को तस्लीम किया और इख्तियार किया। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, सौदा ने तकरीबन कितने कसायद लिखे, मतलब कितने कसीदे लिखे। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है ना कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। 18वीं सदी ईस्वी में सौदा ने अपने दिलचस्प कसायद से दिल्ली वालों के दिलों को गरमा दिया। सौदा ने एक मोहताज अंदाज के मुताबिक 300 से ज़्यादा कसायद लिखे। ठीक है, सौदा ने तकरीबन 300 से ज़्यादा कसीदे लिखे थे, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी याद रखना है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को ना कसीदे का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, फारसी ज़ुबान के किन कसीदा निगारों को सौदा ने अपना नमूना बनाया। तो फारसी ज़ुबानों में कई शायर ऐसे थे जो कसीदा निगारी के लिए मशहूर हैं, उनमें सिराजुद्दीन अली खारज़ू ऐसे फारसी शायर थे जिनको सौदा ने अपने कसीदा निगारी का नमूना बनाया और अपने कसायद में खान आरजू की कसायद की तकलीद की। पाँचवा सवाल है कि सौदा का सबसे मशहूर हिजवी कसीदा कौन है। तो तजहीक रोज़गार जो सौदा का ज़ेर निसाब कसीदा है, इस कसीदे का शुमार सौदा के सबसे मशहूर तरीन हिजवी कसीदा में होता है। यह कसीदा सौदा की खलाकाना तबीयत और शगुफ्तगी मिजाज की नुमाइंदगी करता है। इस शगुफ्तगी में हमें एक तलखी का एहसास होता है,
यह कसीदा बज़ाहिर एक घोड़े की हिजवे है, लेकिन दरअसल यह कसीदा इस ऐद के फौजी निज़ाम की इब्तरी का मरसिया है। ठीक है, मतलब 14 की सबसे मशहूर जो कसीदे हिजविया कसीदा है वो तजही के रोज़गार है, याद रखना है। आप लोग चाहें तो अपने ज़ुबान में भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना टफ लफ्ज़ का यूज़ करके आप लोग जिस तरह से लिखा है इसी तरह लिखेंगे। आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि सौदा का सबसे मशहूर हिजविया कसीदा तजही के रोज़गार है, और जो कि हमारे ज़ेरे जो कि हमारे निसाब में शामिल है, यानी कि हम लोग के सिलेबस में शामिल है। इस कसीदे का शुमार सौदा के सबसे मशहूर तरीन हिजविया कसीदा में होता है। ये लंबा चौड़ा आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आंसर लिखा है उसी तरह से लिखेंगे। बस मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर पढ़कर ये सीख सकें कि लफ्ज़ों को सजा कर किस तरह से जवाब लिखा जाता है, बस। और कोई आप यूँ कह सकते हैं इसके पीछे कारण नहीं है। क्वेश्चन आंसर मैं इसीलिए कराती हूँ ताकि आप लफ्ज़ों को पकड़कर, लफ्ज़ों को सजा कर, अच्छे तरीके से पिरो पिरो कर जवाब लिखना सीख जाएँ। ये सबसे बड़ी कला होती है। जिस स्टूडेंट को लफ्ज़ों को सजा कर आंसर लिखने आ गया ना, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है एकदम आसानी से। भले ही क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता हो तो भी लिख सकता है, बस आंसर लिखने की कला होनी चाहिए। ठीक है, सवाल देखिए, जो कि तवील सवालात में सबसे पहला सवाल है, कसीदे के अजाय तरकीबी बयान कीजिए। अब यहाँ पर कसीदे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अजाय तरकीबी का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो चीज़ें कसीदे में ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बिना मतलब कसीदे को कसीदे नहीं कहा जाए, कसीदा नहीं कहा जाएगा, उसको कहते हैं अजाय तरकीबी। ठीक है, तो वही आप लोगों को बताना है कि कसीदे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एकदम ज़रूरी हैं। तो जवाब में लिखा है कि उर्दू कसायद के अजाय तरकीबी वही है जो फारसी कसायद के रहे हैं। उर्दू कसीदे के अजाय तरकीबी जो अक्सर शुरा के यहाँ असूल के तौर पर मौजूद हैं वह दर्ज ज़ैल हैं। पहला है तशवीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदा और चौथा है तलब और पांचवा है दुआ। ये टोटल पांच जो है ना अजाय तरकीबी होते हैं कसीदे के, याद रखना है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया था, तीन बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, कसीदे के अजाय तरकीबी बयान कीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। और ये पांच अजाय तरकीबी है, यानी कसीदे में ये पांच चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन रिवायती तौर पर इन तमाम अजाय के लिए अलग अलग कवानीन तय किए गए हैं, यानी कि इन पांचों के लिए अलग अलग कानून है। तशबीब में आम तौर से कसीदा निगार तमहीद के तौर पर कुछ इशार कहता है, जिसमें बाद इशार मनाजिर फितरत से मुताल्लुक होते हैं और बाद इशार हुस्न व इश्क से भी मुताल्लुक होते हैं। यही वजह है कि कसीदे का यह हिस्सा आगे चलकर शायरी का एक सिंफ हो गया और गज़ल के नाम से मारूफ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक जो अजाय तरकीबी है ना, उसका लंबा चौड़ा विस्तार से बताया गया है। गुरेज के बारे में बताया गया कि कसीदा का यह हिस्सा अबूरी होता है, यानी शायर तशबीब के अशआर कहते कहते अचानक मदा की तरफ चला जाता है। इसी दौरान जब कसीदा निगार मदा के अशआर कहने लगता है तो इस कैफियत को गुरेज कहते हैं। ये हो गया आंसर, लंबा चौड़ा लिखा गया है यहाँ पर, आप लोग चाहे तो इसको शॉर्टकट करके लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कसीदा की अजाय तरकीबी बताना था, पाँचों अजाय तरकीबी बताकर कुछ आप लोग इसके बारे में डिटेल्स लिख देखेंगे तो हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा ही लिखें, ठीक है, आप लोग इसको शॉर्टकट कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा काट छाट कर। और वैसे यहाँ पर हर एक अजाय तरकीबी को एकदम विस्तार से लिखा गया है, बताया गया है। चलिए मैं पढ़ ही देती हूँ। ठीक है, मदा कसीदे का यह हिस्सा नहायत अहम होता है और कसीदे का मकसूद भी यही होता है। इस हिस्से में शायर अपने ममदू की तारीफ करता है, यानी मदा में क्या किया जाए, तारीफ किया जाता है। तलब में कसीदे के इस हिस्से में शुरा अपने ममदू से खूबसूरत अंदाज में तलब करता है, मांगता है। ठीक है, और तलब के शार में शायर काफ़ी मेहनत करता है ताकि मामला कहीं उल्टा ना पड़ जाए। जी हाँ, तलब में बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है शायर को। और लास्ट में दुआ या कसीदे का आखिरी हिस्सा होता है, जिसमें शायर अपने ममदू के एक बालमंदी की दुआ मांगता है, दुआ करता है, ममदू के दुश्मनों की बर्बादी की तमन्ना करता है। जिसकी तारीफ में कसीदे लिखी जाती है, पढ़ा जाता है, उस कसीदे में मदा भी होता है, तलब भी होता है, गुरेज, ये पांचों अजाय तरकीबी रहना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि सौदा की हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। अब यहाँ पर सौदा की हालात तो ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को लिखना है, एक नोट लिखना है जो कि मुख्तसर हो, ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो जवाब में लिखा है कि सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा तखल्लुस था। उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में तस्करा निगारों और मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ है। कराइन से पता चलता है कि उनकी पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई होगी। सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, जो तजारत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। आबा अजदाद के बारे में ज़्यादा तफसील मालूम नहीं। शादी और औलाद के बारे में भी यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। वालिद के इंतकाल के बाद सौदा ने कुछ दिनों फ़ौज में मुलाजमत भी किया था। अपनी उम्र का बकिया हिस्सा वली के उम्रा की सोबत में गुजरा। सौदा फितरतन मर्दुम शनास और खुशगुफ्तार थे। अपनी तमाम मुरब्बी और सरपरस्तों का सौदा को कुर्बत हासिल थी। तो ये लंबा चौड़ा आंसर यहाँ पर भी दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको शॉर्ट करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ से कवायद से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामर से। पहला सवाल क्या है कि वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएँ, यानी कि यहाँ पर कुछ
लफ्ज़ दिए गए हैं ये या तो वाहिद है या तो जमा है। अब इससे आप लोगों को जो लफ्ज़ वाहिद है उनको जमा बना देना है और जो जमा है उनको वाहिद बना देना है। देखिए फेल जो है ना ये वाहिद लफ्ज़ है, इसका जमा अफ़ाल बना दिया गया है। हाल ये एक वाहिद यानी कि एक वचन है, इसका बहुवचन यानी कि जमा बना दिया गया है। अहवाल वक्त एक वाहिद है, इसका जमा यानी कि बहुवचन बना दिया गया है। अवकात तवारीख जो है ना ये जमा लफ्ज़ है और इसका वाहिद बना दिया गया है तारीख। उसी तरह खिदमात एक जमा लफ्ज़ है और इसका वाहिद यानी एक वचन बना दिया गया है खिदमत। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो चैप्टर नंबर कहाँ तक कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 38 तक कंप्लीट हो गया। अब दो चैप्टर मात्र बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 39 और 4040। ये दोनों चैप्टर गीत है जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी और राइटर एक ही है इन दोनों गीत के, साहिर लुधियानवी। चलिए अब इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 39 का क्वेश्चन आंसर और आप लोग बस अंत तक बने रहिए, बस अब कंप्लीट ही होने वाला है। दो चैप्टर अब मात्र बचा हुआ है, बहुत जल्द कंप्लीट होगा, तो इसीलिए अंत तक वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। और इसी बात पर आप लोग शेयर कर दें, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, फटाफट लाइक कर दें लाइक नहीं किए हैं तो, और कमेंट में लिखकर ये भी बताते रहें कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को ऑब्वियसली बात है कि समझ में आ ही रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 39 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 39 का नाम क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना, जो कि गीत है। इससे मुख्तसर तरीन सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कि शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था, तो साथी हाथ बढ़ाना जो गीत है, शायर ने इस गीत को फिल्म नया दौर के लिए लिखा था, यानी कि नया दौर फिल्म के लिए साथी हाथ बढ़ाना गीत जो है ना शायर लिखे थे, ठीक है। दूसरा सवाल कि इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए, तो इस गीत का मौजू मज़दूरों का इतिहाद होना चाहिए। बिल्कुल, ये गीत मज़दूरों के लिए ही लिखा गया है ना। अब देखिए तीसरा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबके के लिए लिखा गया है, तो यह गीत बुनियादी तौर पर समाज के मजदूर तबके के लिए लिखा गया है, ठीक है। चौथा सवाल, कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है, तो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। मोती कहाँ से निकलता है, तो मोती पानी से निकलता है। छठा सवाल है कि साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है, तो 5 बार आया है साथी हाथ बढ़ाना, 5 बार आई थिंक, मुझे लगता है 6 बार होगा। आई होप आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, मैं वहाँ पर एकदम सही बताई हूँ, एकदम करेक्ट कि साथी हाथ बढ़ाना कितनी बार आया है, एक गिन कर बताई हूँ। तो एक काम कीजिए, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर एकदम करेक्ट मैं बताई हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना कितनी बार आया है इस गीत में। मुझे नहीं लगता है कि 5 बार आया है, मुझे लगता है कि 6 बार आया है इस गीत में। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोग को एकदम करेक्ट बताई हूँ, सही सही गिन कर, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 बार नहीं होगा, 6 बार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो लोग वीडियो देखे हैं और उन्हें पता है कि साथी हाथ बढ़ाना कितनी बार आया है, मैं आप लोगों को बताई भी हूँ, चैप्टर पढ़ाई हूँ, तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कि साथी हाथ बढ़ाना कितनी बार आया है, ठीक है, इस गीत में। सही, एकदम सही सही गिन कर मैं बताई हूँ, तो वीडियो देखे होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। सातवां सवाल है कि इस गीत के शायर का नाम बताइए, तो इस गीत के शायर का नाम साहिर लुधियानवी है। ऑब्वियसली बात है, दोनों साथी हाथ बढ़ाना और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, दोनों गीत के राइटर कौन है, साहिर लुधियानवी। अब स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात। पहला सवाल है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दर्जा बाला शार के रोशनी में सवालों का जवाब दीजिए। ये यहाँ पर एक शेर दे दिया गया है, ठीक है। अब इस शेर को पढ़कर आप लोगों को ये सारे सवाल का जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है, तो मेहनत वाले जब मिलकर कदम बढ़ाते हैं ना तो समुद्र रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ों का सर झुकाना मुमकिन हो जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल है, उसी शेर से पूछा जा रहा है, मतलब ये जो शेर लिखा यहाँ पर लिख दिया गया है इसी शेर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें से क्या मुराद है, तो फौलादी है सीने अपनी फौलादी है बाहें, इससे मुराद मजदूर जफाकस और मेहनती होते हैं, और फौलादी के मानी लोहा होता है, जिस तरह लोहा सख्त होता है उसी तरह मजदूरों के बाजू और उनके सीने लोहे की तरह सख्त और जफाकस होते हैं, तो ये बात कहा गया है। तीसरा सवाल कि किसके चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती है, तो मजदूरों के चाहने से चट्टाने में राहें पैदा हो सकती है, क्योंकि मजदूरों के इतिहाद और उनकी जफाकशी का कामयाबी के तमाम रुकावटों को दूर कर सकती है और इसलिए इतिहाद में ताकत होती है। अब यहाँ पर चौथा सवाल है कि इस इकतबास की तशरीह करें और इसके मरकजी ख्याल को वाजह करें। ये जो इकतबास दिया गया है यानी कि गीत का ये टुकड़ा, इस शेर की आप लोगों को तशरीह करना है और इसमें शायर क्या बताने की कोशिश किए हैं ये आप लोगों को बताना है, जवाब में लिखना है।
जवाब में लिखा हुआ है कि पेश नज़र इकतबास साहिर लुधियानवी की ज़ेर निसाब गीत से माखूज है और इस गीत का पहला बंद है। पहले बंद के इन अशआर में शायर ने मिलजुल कर काम करने की तलफीन किए हैं और इस बंद का मरकजी ख्याल मजदूरों के दरमियान इतिहाद व इतफाक को फ़रोग देना है। चुनांचे शायर कहता है कि अगर हम मजदूर तबके के लोग इतिहाद और यकजहती का मुजाहरा करें और मिलजुल कर मेहनत के साथ कदम बढ़ाए तो समुद्र अपना रास्ता बदल दे और पहाड़ हमारे सामने सर झुकाने लगे। जफाकशी की वजह से हमारे सीने लोहे जैसे सख्त हैं और हमारे बाजू भी लोहे की तरह बन चुके हैं। हम अगर इरादा कर लें तो हमारे तो पहाड़ के चट्टानों में भी अपने लिए रास्ता पैदा कर सकते हैं। ये जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं तवील सवालात। यहाँ पर भी इकतबास दिया गया है, यानी कि शेर दिया गया है। शेर में क्या लिखा गया है देखिए। माटी से हम लाल निकाले, मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। मजकूरा बाला शेर की रोशनी में दर्ज सवालों के जवाब दीजिए, यानी कि इस शेर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। पहला सवाल है, लाल कहाँ से निकालने की बात हो रही है, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं। जवाब में लिखा हुआ है कि शायर इस शेर में मिट्टी से लाल निकालने की बात कह रहा है। इससे मुराद यह है कि ज़मीन को अपनी मेहनत से जरखेज़ बनाएंगे और तरह तरह की कीमती फसलें उगाएंगे। इन फसलों की कीमत लाल व जवाहर से कम नहीं होती, इसलिए इन्हीं फसलों से लाखों भूखों के इंसानों का पेट भरता है, लाखों भूखे इंसानों का पेट भरता है। और ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को धात और मादनियात भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है कि दुनिया में सब किसके बल से हैं, जो कुछ से मुराद क्या है। तो ज़ेर निसाब गीत के शायर साहिर लुधियानवी अपने गीत के आखिरी बंद में क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ सनाती तरक्कियां हो रही हैं वह सब मजदूरों के मेहनत के नतीजे में हुआ है, इसलिए हमारे ही बल से दुनिया तरक्की कर रही है। इस मिसरे में जो कुछ से मुराद सनाती इनकलाब है जिसके नतीजे में दुनिया में कदर तरक्की हो रही है। ठीक है, तीसरा सवाल, मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें से आप क्या समझते हैं। जवाब में लिखा है कि शायद साहिर लुधियानवी ने ज़ेर निसाब गीत के आखिरी बंद में मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें एक मिसरे में इस्तेमाल किया है। पूरा मिसरा इस तरह है कि कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, जिसे शायर ने एक खास पस मंज़र लिखा है वह यह है कि हिंदुस्तान में सनाती इनकलाब आ रहा था और कारखानों की जदीद मशीनी आलात से मजीन किया जा रहा था। नतीजा यह हुआ कि मेहनत कश मजदूरों को अपने काम से ज़बरदस्ती सबकदोष होना पड़ रहा था, जिससे रोज़गार के मसाइल पैदा हो रहे थे और इन हालात में मजदूरों में मायूसी और नाउम्मीदी पैदा हो रही थी। उन्हें उन्हीं मजदूरों के बीच मुतहद होकर अपने हकूक के लिए लड़ने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए साहिर ने यह गीत लिखा है। ठीक है, चौथा सवाल, दूसरे शेर की तशरीह कीजिए और उसका मरकजी ख्याल वाजी कीजिए। तो ये दूसरा शेर क्यों कहा गया है, दूसरा, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, ये दूसरा शेर है किसका, यहाँ का दूसरा शेर है। यहाँ पर जो इकतबास दिया गया था ना, इसका ये दूसरा शेर यही है, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत, इसकी तशरीह कर देना है। तो वही तो बात लिखा गया है, वही बात यहाँ पर, जो यहाँ पर आंसर लिखा गया था, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, मतलब कि यहाँ पर भी तशरीह कर देना है वही उसी बात की जो इस लाइन में कहा गया है कि कब तक मेहनत के, मतलब कब तक ये मजदूर जो है ना अपने पैरों में दौलत की जंजीरें पहने रहेंगे, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, जो भी तुम पाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा ख्वाब है वो हाथ बढ़ाकर छीन लो, मेहनत कब तक करते रहोगे, मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें कब तक पड़ी रहेंगी, तुम क्या करो, तुम उठो, जितने भी मजदूर हैं इकट्ठा हो जाओ और जो भी तुम पाना चाहते हो हाथ बढ़ाकर छीन लो, मांग करो तुम, वही बात यहाँ पर तशरीह में लिख दी गई है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल है कि गीत के हवाले से बताएं कि ख्वाबों की ताबीर कैसे मिल सकती है। ख्वाबों की ताबीर मिलने का तरीका साहिर लुधियानवी ने ज़ेर निसाब गीत में बताया है कि चुनांचे ज़ेर निसाब पहले गीत के आखिरी मिसरे में शायर कहता है कि हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, यानी आज का दौर ऐसा है कि किसी का हक बगैर मांगते तो खैर मिलता ही नहीं है, बल्कि शराफत के साथ मांगने से भी नहीं मिलता है। शायर के ख्याल में अपने ख्वाबों की ताबीर अगर हासिल करना है तो अपने ज़िंदगी के मंजिल तक पहुँचना है तो खुद हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती छीन लेने से ख्वाबों की ताबीर मिल सकती है। इसी ख्याल को शायर मशिक से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया है, यानी कि अब यहाँ पर अल्लामा इकबाल इसी ख्याल को किस तरह बयान किए हैं, शेर व शायरी के अंदाज़ में ये लिखा गया है यहाँ पर कि यह बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ से, मेना इसी का है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है क्लास 12th के उर्दू का टोटल चैप्टर कंप्लीट, यानी कि 40 चैप्टर है ना, 40 के 40 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि रिटर्न क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए। हो गया ना ख़त्म, हो गया ना आप लोगों को तसल्ली, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में
गुस्सा होकर भी बोल रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया 12th क्लास की उर्दू का सोल्यूशन। बस आप लोग रिवाइज़ कीजिए और इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव होगा। डेट और टाइमिंग आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, कम्युनिटी ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो कुछ भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और उसके साथ साथ वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे कि बहुत जल्द लाइव भी स्टार्ट होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और सभी लोग इस वीडियो का भी लाभ उठा सके। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।